साल 2002 में उत्तरी कश्मीर के सुदूरवर्ती गांव लोलाब के रहने वाले गुलाम रसूल शाह को आतंकवादियों ने गोली मार दिया। उस समय उनका बेटा महज 19 साल का था। पिता के निधन पर इस बेटे ने हथियार उठाने के बजाय कलम उठाना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 2009 में ये लड़का भारत सरकार की सबसे प्रतिष्ठित सेवा IAS की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उस समय यह लड़का भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने वाला पहला कश्मीरी था और ओपन एग्जाम के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने वाला भी पहला कश्मीरी था। करीब 10 साल सेवा में रहने के बाद अचानक यह लड़का व्यवस्था से असंतुष्ट हो जाता है और 2019 में अपने पद से इस्तीफा देते हुए राजनीति में आने का मन बना लेता है। हालांकि इसकी राजनीतिक पारी लंबी नहीं चलती है और वो फिर से सिविल सेवा में वापस जाना चाहता है। अब सवाल उठता है कि क्या कोई एक बार इस्तीफा दे करके फिर से दोबारा IAS बन सकता है? जानेंगे इसी सवाल का जवाब अपने आज के न्यूज दिसावर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धीर TV। अभी मैं जिसकी कहानी बता रहा था वो कोई और नहीं बल्कि पूर्व UPSC टॉपर शाह फैजल हैं। साल 2009 की UPSC परीक्षा में टॉप करने वाले शाह फैजल ने 9 जनवरी 2019 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके कुछ ही महीनों बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के नाम से अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई। 14 अगस्त 2019 को जब वे अमेरिका जा रहे थे तो उन्हें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया और उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इसके बाद अगस्त 2020 में इन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अभी हाल ही में इन्होंने सिविल सेवा में वापस जाने के लिए आवेदन किया। सरकार ने शाह फैसल के इस्तीफा वापस लेने के आवेदन को स्वीकार कर उन्हें सेवा में फिर से बहाल कर दिया। अब सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति को इस्तीफा देने, राजनीति में हाथ आजमाने के बाद वापस नौकरी में कैसे लाया जा सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक IAS अधिकारी के इस्तीफे की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। एक IAS अधिकारी के इस्तीफे और वापसी से जुड़े नियमों का जिक्र अखिल भारतीय सेवाएं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ नियम 1958 यानी DCRB रूल्स के तहत किया गया है। अगर कोई अधिकारी राज्य में तैनात है तो उसे राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को इस्तीफा सौंपना होता है, यानी राज्य में तैनात IAS अधिकारी उस राज्य के मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा सौंपता है, जबकि केंद्र सरकार के डेप्यूटेशन पर काम कर रहे IAS अधिकारी अपना इस्तीफा संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव को देते हैं। इसके बाद मंत्रालय या विभाग अपनी टिप्पणी या सुझावों के साथ संबंधित राज्य के काडर को इस्तीफा फॉरवर्ड कर देते हैं। इस्तीफा मिलने के बाद राज्य की ओर से जांच की जाती है कि अधिकारी का कुछ बकाया तो नहीं है और विजिलेंस स्टेटस एवं भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच की जाती है। अगर ऐसा कोई मामला पाया जाता है तो उसका इस्तीफा खारिज कर दिया जाता है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो राज्य सभी जानकारी, सुझाव और स्टेटस रिपोर्ट के साथ ये इस्तीफा केंद्र सरकार को भेज देता है। इसके बाद IAS के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और IPS के मामले में गृह मंत्रालय और फॉरेस्ट सेवा के मामले में पर्यावरण मंत्रालय फैसला लेता है। शाह फैसल ने जनवरी 2019 में अपना इस्तीफा दिया था लेकिन उसे केंद्र सरकार की ओर से स्वीकार किए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, यानी उनके इस्तीफे को स्वीकार करने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई थी। ऐसे में DCRB के नियम 5 क्लास 1A के मुताबिक केंद्र सरकार जनहित में किसी अधिकारी को अनुमति दे सकती है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले सके। साल 2011 में संशोधित किए गए नियमों के मुताबिक इस्तीफा स्वीकार किए जाने और ड्यूटी पर वापस लौटने के बीच का समय 90 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने या राजनीतिक संगठन से जुड़ने, राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा लेने या इस तरह के कामों के लिए इस्तीफा देता है तो इस्तीफा वापस लेने की उसकी अर्जी केंद्र सरकार को स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हालांकि शाह फैसल के मामले में सरकार ने इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया था, ऐसे में ऊपर बताई गई शर्तें इन पर लागू ही नहीं हुई और वे सेवा में वापस आ गए। इस एपिसोड में इतना ही और बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।